वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? साइबर और आईटी रिलेटेड जो फ्रॉड्स उसकी एक लंबी श्रृंखला में आज ये हमारी पहली ट्रेनिंग है, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जो भी जन सामान्य से जुड़े हुए फ्रॉड्स हैं जिसमें ओटीपी पूछ के पैसा निकाल लिया जाता है या फेक प्रोफाइल का तैयार कर लिया जाता है, रेवेंज और भी इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से आईडी हैक कर ली जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट जिसको कहते हैं, उसके बारे में हमारे सभी पुलिस कर्मी नोएडा पुलिस द्वारा आयोजित डिजिटल क्राइम और डिजिटल फॉरेंसिक साइबर क्राइम और डिजिटल फॉरेंसिक पर ये कार्यशाला काफी लाभदायक मानी जा रही है। इसमें शहर भर के निरीक्षक उप निरीक्षक स्तर से लेकर इसके ऊपर के स्तर तक के अधिकारी शामिल हुए हैं। इसमें साइबर क्राइम से कैसे निपटे इस पर चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने ज्योति प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद सारे दिन यहाँ विभिन्न साइबर से रिलेटेड और डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है, नोएडा पुलिस का मानना है कि इससे जो नोएडा काफ़ी तेज़ी से विकसित होता हुआ शहर है और यहाँ आईटी एक्ट का ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी जाता है, उससे निपटने में पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। पुलिस वालों को जानकारी दी गई कि जब साइबर क्राइम से पीड़ित आदमी लोग आते हैं, शिकायतकर्ता आते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उनकी शिकायत को कैसे दर्ज किया जाए, उनकी शिकायत की जाँच कैसे की जाए। इसके अलावा वर्क शिविर में और भी कई सारे साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास है, उन सबका परिचय कराया गया। माना जा रहा है कि इस तरह की कार्यशालाएं अब थाना स्तर पे भी लगाई जाएंगी, जिससे निचले सिपाही स्तर तक के पुलिसकर्मी भी लाभान्वित हो और उन्हें साइबर से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी हो। बड़ी बात यह है कि नोएडा पुलिस ने ऐसे समय में ये कार्यशाला आयोजित की है जब नोएडा पुलिस कमिश्नर को आए हुए सिर्फ एक महीना ही हुआ है और नोएडा में लगभग प्रतिदिन 5 से 6 साइबर क्राइम से रिलेटेड शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक भी आज की तारीख में क्राइम जांच के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में साइबर क्राइम पर आयोजित ये कार्यशाला कितना उपयुक्त होती है और इससे यूपी पुलिस की नोएडा पुलिस में कमिश्नरेट बने हुए अभी एक सवा महीना हुआ है, ऐसे में नोएडा पुलिस इसका कैसे लाभ ले पाती है ये भविष्य में पता चलेगा। खूब बहुत बढ़िया।